मेरे चैनल पर मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं भी वीडियो बना चुकी हूँ और मैं आध्यात्मिक वीडियो भी बनाती हूँ। तो मेरी ऑडियंस मुझे चाहती है और मैं भी मेरी ऑडियंस को बहुत चाहती हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक नजदीकी महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे, जो हम हमेशा जाते हैं। तो मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड मंदिर में तो आते हैं, लेकिन बिना होठ हिलाए चुपचाप सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने खड़े रहते हैं। ना मैंने उनसे कभी भगवान से प्रार्थना करते हुए देखा कि ना मैंने उनसे कभी भगवान से कभी कुछ मांगते हुए देखा। तो इस बार मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछा कि आप मंदिर में तो आते हो, लेकिन बिना होठ हिलाए आप भगवान की प्रार्थना कैसे करते हो और ना कभी आप भगवान से कुछ मांगते हो। तब उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि हम कभी भी कोई भी मंदिर में जाते हैं या कोई भी फोटो या मूर्ति को देखते हैं तो हम तुरंत भगवान से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जब तक हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं तब तक भगवान हमें कुछ देंगे नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान वो है जो सब कुछ जानते हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि किसको किसी की जरूरत है। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना ही काफी है। और उन्होंने मुझे समझाया कि हम जो सोचते हैं कि जब तक हम मंदिर में जाके भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं या तो भगवान से कुछ बोलेंगे नहीं तब तक भगवान हमें कुछ देंगे नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। होता ऐसा है कि हमें हमेशा हमारे कर्म के अनुसार मिलता है, हमारी नियत, मेहनत और हमारी ईमानदारी के अनुसार मिलता है। तो इस घटना में सार यही है कि हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान वो है जो सब कुछ जानते हैं और भगवान हमारे जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बस यही इस घटना का सार है। तो दोस्तों, आप इस घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहते हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।